एंड एवरीवन, मैं आज सीआरपीसी पर जो है बहुत अहम टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। जो अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं कोई वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन उससे प्राप्त हो पाएगी। दोस्तों, मैं आज चाहता हूँ कि एक अच्छा सेलेक्टेड हो कम समय में पूरे टॉपिक को एक अच्छे टॉपिक के तरीके से आपको बता दूँ, आपको कंसेप्ट क्लियर करा दूँ। साथ साथ मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे चैनल पर अगर आप जुड़े हुए हैं तो बेल एट के साथ जरूर बैठे, जहाँ हाईलाइटेड करना हुआ हाईलाइट किया जाएगा। हर पॉइंट अपने अपने मायने में बहुत महत्व होते हैं। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बात करता हूँ, व्यक्तियों की गिरफ्तारी की बात करता हूँ। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय किस अध्याय में, अध्याय पाँच में, किस अध्याय में, अध्याय पाँच में धारा 41 से लेकर 169 तक जो है गिरफ्तारी से संबंध जो है बताए गए हैं। ठीक, अब गिरफ्तारी दो प्रकार के होते हैं, वारंट के अनुसार गिरफ्तारी होता है और बिना वारंट के अनुसार गिरफ्तारी होता है। गिरफ्तारी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बिना वारंट के गिरफ्तार और एक होता है वारंट के अनुसार। तो वारंट के अनुसार गिरफ्तारी की जो प्रोसीजर है 79 से लेकर 90 तक बताया गया है, और उसके बाद में जो है बिना वारंट की गिरफ्तारी जो है पुलिस द्वारा पुलिस के दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 41 सेक्शन 1 और 2 में बताया गया है। फिर धारा 42 में बताया गया, धारा 109, 110 में बताया गया है, धारा 123 सेक्शन 6 में बताया गया है। प्राइवेट व्यक्ति जो द्वारा गिरफ्तारी है वो धारा 43 में बताया गया, मजिस्ट्रेट द्वारा जो बताया गया है वो धारा 44 में बताया गया है। ओके, अब मैं बात करता हूँ आपको आगे कि इन्हें भी जाने जब ऐसे इतला ऐसे अपराध में के संबंध में दी जाती है, कोई अपराधिक है उस अपराधिक के जो है संबंध में दी जाती है, तो कुछ ऐसे नेचर होते हैं जो संज्ञेय अपराध हैं तथा कुछ ऐसे अपराध जो असंज्ञेय हैं, तो क्या होगा, पूरा का पूरा मामला क्या समझा जाएगा, पूरा का पूरा मामला समझा जाएगा संज्ञेय। तो 155 के सबसेक्शन 4 में बताया गया है। अब बात करते हैं असंज्ञेय अपराध से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट जिस फॉर्म में अब लिखित किए जाएंगे उसे चेक रसीद संख्या 247 कहते हैं। जो असंख्या जो है असंज्ञेय अपराध है अगर उसका सूचना जो है रिपोर्ट जो है दर्ज किए जाएंगे तो किस फॉर्म संख्या में, तो रसीद चेक संख्या 247 में है। किसी मामले में, यानी ये कहता है कि किसी मामले में संज्ञेय मामले में सूचना रिपोर्ट जो है सार जो अवलिखित करने के बाद इतला मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश दे सकता है। संज्ञेय मामले का सूचना रिपोर्ट का सार अवलिखित करने के बाद जो है इतलाकार को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देश दे सकता है। 156 के सबसेक्शन 1 में है। असंज्ञेय मामले में अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है कि इस मामले में अन्वेषण करने के लिए शासक नहीं था। यानी 156(2) में कहा गया है कि आप पुलिस अधिकारी को जो है ये नहीं कह सकते हैं कि अन्वेषण करने के लिए वो जो है पूरी तरीके से शासक नहीं है। असंज्ञेय मामले में संबंधित इतला 2 प्रतियों में लिखित की जाएगी। कितने में की जाएगी, 2 प्रतियों में लिखित की जाएगी। 156(3) के अनुसार धारा 190 के अधीन क्या है, 156(3) के अनुसार और धारा 190 के अनुसार अधीन जो कोई पावर्स मजिस्ट्रेट को संज्ञेय मामले में थाने के भार साधक अधिकारी को अन्वेषण करने हेतु आदेश दे सकता है। 190 के तहत तो अगर मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेता है 156(3) को, तो मजिस्ट्रेट को जो है अन्वेषण करने के लिए जो है पुलिस अधिकारी को, थाने के पुलिस अधिकारी को क्या है, अधिकारी को अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है। जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी निम्नलिखित आधार पर अन्वेषण से करने से इनकार कर सकता है, जब क्या करता है पुलिस अधिकारी जो है अन्वेषण करने से इनकार करता है, पहला जब इतला व्यक्ति को नाम दिखाकर क्या करता है कि जब इतला किसी व्यक्ति को नाम दिखाकर की गई हो यदि अन्वेषण के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। 157 के परंतु ए और बी में कहा गया है अन्वेषण के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो फिर बात करता है धारा 157 के अधीन भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से भेजी जाएगी। यानी प्रत्येक रिपोर्ट जो पुलिस रिपोर्ट होगी वो किसको भेजेगी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से भेजी जाएगी। अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी अपने थाने के पास थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे मामले को तथ्य और परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति को समर्थता अपने समझ हाजिर होने का आदेश दे सकता है। धारा 160 के सबसेक्शन 1 में, ठीक किसमें है, 60 के जो है सबसेक्शन 1 में दे सकता है। अब हम बात करते हैं पुलिस अधिकारी जो है किसकी बात है, पुलिस अधिकारी बिना वारंट का कब गिरफ्तार कर सकता है, यानी बिना वारंट का कब गिरफ्तार कर सकता है। ठीक, अब देखते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अनुसार किसके अनुसार,
धारा 41 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकता है। अब किस परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकता है? निम्नलिखित परिस्थितियों में गिरफ्तार करता है जो किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में रह चुका हो, जो किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में रह चुका है जिसके विरुद्ध उसे उचित परिवारवाद यानी उचित जो है कंप्लेंट किया जा चुका है, जो दूसरी बात करता है जो अपने कब्जे में गृह वेदन का उपकरण रखता हो, जो अपने कब्जे में जो है गृह वेदन का उपकरण रखता हो, जो उद्घोषित अपराधी हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, जिसके कब्जे में ऐसी चीज़ पाई जाती है जो चोरी या चुराई हुई संपत्ति का संदेह किया जा चुका हो, जिसके कब्जे में ऐसी चीज़ पाई जाती है जो चोरी का है या चुराई हुई संपत्ति का संदेह किया जा चुका हो, जो पुलिस अधिकारी को बाधा पहुंचाता हो, जो पुलिस अधिकारी है उसको क्या करता हो, बाधा पहुंचाता हो, जिस पर संघ सशस्त्र बलों किसी भी अभियाजक होने का संदेह हो, जिस पर किसी संघ या सशस्त्र बल किसी भी अभियाजक होने का संदेह हो, जो प्रत्यर्पण संबंधी विधि के अधीन रहते हुए अभिरक्षा में हो, जो प्रत्यर्पण संबंधी हो विधि के अधीन रहते हुए किसमें हो अब जो छोड़े गए हो, किसको जो है जो छोड़े गए हो, जो छोड़े गए सिद्ध दोष, जो छोड़े गए सिद्ध दोष 356 के पाँच के अधीन जो है 356 पाँच के अधीन किसी नियम को भंग करता हो, जो गिरफ्तार किए जाने के लिखित या मौखिक रूप से अन्य पुलिस के अधिकारी के आदेश को प्राप्त हो चुका हो, ये बताया गया है गिरफ्तारी के 9 पॉइंट मोटे मोटे बताए गए हैं। अब बात करते हैं हम दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 42। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 42 के अंतर्गत कोई पुलिस अधिकारी असंज्ञेय मामले में किसी व्यक्ति को वारंट के बिना वारंट के समय गिरफ्तार कर सकता है जब ऐसा नाम व्यक्ति का ना पता ऐसा नाम और पता बताता है जो सही भी होने का विश्वास नहीं किया गया है। धारा 43 में प्राइवेट व्यक्तियों की गिरफ्तारी। धारा 43 में विहित उपबंधों के अनुसार कोई किसी व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकता है। ओके, अब निम्नलिखित परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकता है, कब गिरफ्तार कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बहुत इंपॉर्टेंट? ये है कि ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने का तात्पर्य क्या है, यदि वो व्यक्ति क्या करता है, यदि वो व्यक्ति संज्ञेय क्या है, संज्ञेय आजमानती अपराध करता है, संज्ञेय और आजमानती अपराध करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब संज्ञेय जो है संज्ञेय आजमानती अपराध करता है, ये बार बार प्री में पूछा जाता है और ये लोग गड़बड़ कर देते हैं और लोगों को माइंड में स्किप कर जाता है संज्ञेय या आजमानती अपराध करता है, तो आप लोग अपने बैरेक्ट में ये जरूर हाईलाइट कर लीजिए। यदि वो उद्घोषित अपराधी हो, क्या हो वो, यदि उद्घोषित अपराधी हो, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उससे विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा, यानी प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है किस व्यक्ति को जो संज्ञेय या आजमानती अपराध करता है, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो और उसे जो है अनुसे विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के जो है हवाले कर दे। अब क्या मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकता है, तो इसके प्रोविजन बताए गए हैं। मजिस्ट्रेट के प्रोविजन बताए गए हैं कि धारा 44 के अधीन गिरफ्तार करने के लिए सशक्त करती है न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट दोनों को सशक्त करती है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोनों सशक्त करती है। अब कहता है कि कब गिरफ्तार कर सकते हैं, अब कब गिरफ्तार कर सकते हैं, जब उसकी स्थानीय अधिकारता किसकी, जब उसकी उनकी स्थानीय अधिकारता के अंदर कोई अपराध किया जाता है, कोई अपराध किया जाता है उसके स्थानीय जो है अधिकारता के अंदर कोई अपराध किया जाता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वो समय उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, जिसकी गिरफ्तारी करते समय उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। धारा 45 के अंतर्गत जो है जो सशस्त्र बल है जो आर्मी वगैरह वो भी गिरफ्तार किए जाने के लिए या उस समय संरक्षण प्रदान किया जब तक वो अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हों और अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए तत्पर हों तो उन्हें संबंध में केंद्र सरकार की अनुमति न ले ली गई हो। ठीक, गिरफ्तारी की प्रक्रिया संहिता के धारा 46 में गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, संबंध में प्रक्रिया ओपन करती इस संहिता के धारा 46 के अनुसार गिरफ्तारी की प्रक्रिया बताई गई है। तो गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, तो गिरफ्तारी जो है छू कर की जाएगी, किससे की जाएगी, गिरफ्तारी जो है छू कर की जाएगी, परिरुद्ध करके की जाएगी। यदि गिरफ्तारी किए जाने वाले व्यक्ति तो स्वयं अभिरक्षा में सबूत कर देता है तो ऐसा करना आवश्यक नहीं है, परंतु जो है क्या बात करता है, परंतु जो कहां किसी स्त्री के गिरफ्तार किया जाना, जब किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाए जब तक उस परिस्थिति के विपरीत उपसदृश न हो, गिरफ्तारी
को मौखिक सूचना अवरक्षा में समर्पण कर देना और धारा में उपभोग करना किसी प्रस्ताव अन्यथा अपेक्षित न हो। जब पुलिस अधिकारी महिला ना हो तब पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। क्या बात कहा गया है, जब स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है उस परिस्थिति में या इसके विपरीत उपदर्शित न की गई हो तो गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा को समापन कर देने की उपधारा की जाती है। जब तक परिस्थितियां अन्यथा अपेक्षित ना हो, जब तक जो कोई परिस्थितियां हैं कोई सर्कमस्टेंसेस है वो अपेक्षित ना हो, जब तक पुलिस अधिकारी महिला ना हो, कोई अगर पुलिस अधिकारी महिला ना हो तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। अब मैं इम्पोर्टेंट बॉक्स जानना चाहता हूँ क्या है। अब देखिए इम्पोर्टेंट बॉक्स क्या कहता है, कहता है कि इन्हें भी जाने धारा 160 के 1 के अधीन निम्न व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेश नहीं दिया जा सकता है। क्या नहीं दिया जा सकता है, आदेश जो है नहीं दिया जा सकता है। किसको नहीं दिया जा सकता है, ऐसा पुरुष जो 15 वर्ष से कम आयु का हो, ऐसा जो लड़का जो है उसका 15 वर्ष से कम आयु हो। और दूसरा क्या कहा जाता है, स्त्री, स्त्री को भी जो है ऐसे में उपस्थित नहीं किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को जिन्हें पुलिस अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा करता है, जो पुलिस से जो है अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा करता है, उचित खर्च का भी संदाई करते जैसे राज्य सरकार विहित करे। किसी को बुलाया जाता है अपने समक्ष थाने वाने पर आने जाने का रास्ता भी वो क्या है, पुलिस अधिकारी जो है उसे संदाई करेगी, जो राज्य सरकार जो नियम बनाए होंगे। अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी अपने तथ्यों परिस्थितियों में परिचित समझे जाने वालों को किसी भी व्यक्ति को मौखिक परीक्षा कर सकता है। किस समय 161 के 1 में ऐसे प्रश्न जो अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति को पूछा जाता तो ऐसे व्यक्ति सभी प्रश्नों को सही से उत्तर देने के लिए आबद्ध हैं। अगर वो पुलिस जैसे जैसे पूछता है आप उसी तरीके से राइटली आंसर आपको देना जो है मैंडेटरी है। परंतु ऐसा प्रश्न उत्तर देना आवश्यक नहीं होता जो आपराधिक आरोपी शासित डालने हो, ऐसे प्रश्न को उत्तर आवश्यक नहीं है जो आपराधिक आरोप पर या साक्ष्य डालने वाले होते हों। 161 धारा है 161 के सबसेक्शन 2 में बताया गया है। अब देखिए कि 46 के धारा 46(2) के अनुसार यदि गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को किसको गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को बलात्कार प्रतिरोध करता हो, जो 46(2) में है, अगर गिरफ्तार किया जा रहा है गिरफ्तार करने के लिए विरोध करता है या किसी तरीके से वास्तव शस्त्र से उसका प्रदर्शन करता है या गिरफ्तारी से भागता है उसके बारे में बताया गया है, या तो क्या करेगा पुलिस अधिकारी जो है अन्य व्यक्ति उसके आवश्यक संसाधनों कोई भी आवश्यक संसाधन है उसका प्रयोग कर सकता है। अब इसके आगे क्या क्या है 46(3) में कहा गया बहुत इंपॉर्टेंट है। 46(3) यदि गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति क्या हो, मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास दंडनीय अपराध का दोषी नहीं है, अगर वो मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास दंडनीय अपराध का दोषी नहीं हो तो गिरफ्तारी करते समय उसकी मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है, ठीक, गोली उसे नहीं मारी जा सकती है। 46(4) के अनुसार असाधारण परिस्थितियों के सिवाय स्त्री को सूर्यास्त के पश्चात या सूर्यास्त के पहले गिरफ्तार नहीं की जा सकती है, लेकिन ऐसे असाधारण परिस्थितियां विद्यमान वहां स्त्री पुलिस अधिकारी को लिखित रूप में रिपोर्ट करके ऐसे प्रथम न्याय मजिस्ट्रेट की यानी प्रथम श्रेणी के न्याय मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा प्राप्त करेगी, उनसे जो है क्या नाम है क्या लेगा परमिशन लेगा जिसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है तभी गिरफ्तारी की जाएगी, ये बताया गया है। अब महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं गिरफ्तारी संबंध महत्वपूर्ण फैक्ट क्या देखते हैं। गिरफ्तारी से संबंध महत्वपूर्ण फैक्ट जो है एक केस लॉ आया था, उस केस के लॉ का नाम है DK बसु, क्या नाम है DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य AIR 1997 में प्रतिपादित किया था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तारी करते समय पुलिस कर्मचारियों को अनुपालन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश दिया था। अब दिशा निर्देश क्या दिया था अब देखते हैं, गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी पदनाम के साथ टैग धारण करना चाहिए, जो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी हैं उसका किस पद पे हैं उसके पद का नाम होना चाहिए उल्लेख होना चाहिए उसका टैग जो है लगा होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय ज्ञापन तैयार करना है, जो गिरफ्तारी किया जा रहा है उसका जो है उस समय ज्ञापन तैयार करना है, कम से कम एक साक्षी को जो है साक्षांकित करना जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को या कुटुंब सदस्य को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हवालात में पूछताछ अभिरक्षा में रखे व्यक्ति को सूचित करना और किस स्थान पर रखा गया है, जो गिरफ्तार किया गया है व्यक्ति उसे हवालात में पूछताछ के लिए अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति को जो है सूचित करना कि आपको किस स्थान पर रखा गया है। फिर उसके बाद में कहता है क्या है,